शुरू कर दीजिए। कल शुरू करें? हाँ हो गए। कल हमारा एएमसी एरिया में एक स्पेशल ऑपरेशन था, तो वो इसमें एक हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी जिसका घर है एडी नगर पीएस के अंदर और उसका दुकान है बत्तला में, ये आदमी अपना कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भेज रहे हैं, एनडीपीएस आर्टिकल्स भेज रहे करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पास, पक्का इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम लोग दो टीम बनाए गए थे, तो एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो बत्तला मार्केट में गए थे उसको दुकान रेड करने के लिए, और दूसरा टीम एसडीपीओ आमतली के नेतृत्व में उसका आदमी का घर के अंदर घर के सर्च करने के लिए गए थे यदि नगर पीएस के अंदर। सर्च हम लोग साइमल्टेनियसली शुरू किए थे 10 बजे के सुबह में, और सर्च चला शाम को 5:30 बजे तक चला। इसमें जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे पूरा जो वहां सर्च कंटिन्यूसली चलता रहा अलग अलग टीम के साइमल्टेनियसली, इसीलिए हिट किया गया था कि ताकि वो आदमी इधर उधर भाग ना जाए और कोई अगर उसके पास कुछ आइटम्स है तो वो कहीं बाहर छुपा ना जाए या फिर उसको वहां से एस्केप ना दे। तो इसके मुताबिक हम लोग इसमें बहुत खुशी है कि हमके तो बहुत अच्छा सीजर हुआ है कल। जैसे सीजर में हम लोगों को मिला है कि 13 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर जो एनडीपीएस आइटम है, और 150 यावा टैबलेट्स मिला है इसमें, और इसके अलावा भी जो एनडीपीएस में कवर नहीं होता है बट बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो वो भी बहुत सारा टैबलेट्स और मिला गया, तो वो हम लोग कस्टम्स को हैंड ओवर कर चुके हैं, कस्टम्स वाले अलग सा केस ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मिला है मतलब ये दुकान के पास, और इसके अलावा कुछ कैश भी बांग्लादेशी कैश मिला था 44,808 रुपीज के पास। और जब हम लोग घर में सर्च कर रहे थे घर में भी बहुत सारा पैसा मिला है, तो वो पूरा घर का जो पैसा मिला है तो वो और दोनों का ये यहाँ पे बत्तला में जो मिला है सारा पैसा मिला के ये है 75,87,260 रुपीज का इंडियन करेंसी जो सीज हुआ है। ये है, ये बहुत अच्छा सीजर है, बहुत बड़ा सीजर है। इसके अलावा भी 572.9 ग्राम्स का गोल्ड भी मिला है उसके घर। तो जैसे हम लोग इसका हिस्ट्री है तो और इसका जो इंटेलिजेंस इनपुट से हमको ये पता चला है कि ये जितना भी ये पैसे का है मोस्ट प्रॉबली कि इसने इसी काम से वो कमाया होगा, तो इसलिए हम लोग इसको सीज करके फिर हम लोग कोर्ट में बेच चुके। एक सेकंड, तो मैं इसके अलावा भी ये स्पेशल ड्राइव चल रहा था डीजी सर के नेतृत्व में, जैसे सीएम सर भी बोल रहे हैं कि नशा मुक्त के लिए, तो फिर पूरा उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये एएमसी एरिया में सदर और आमतली सब डिविजन में ये चल रहा था, पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा एयरपोर्ट सब डिविजन में भी ये चल रहा था कि एक जगह पे लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के पास एक टाटा एस ट्रक को हम लोग डिटेन किए थे, तो डिटेन किए थे उसके अंदर मिला है 3,100 फेंसिलिन कफ सिरप मिला है। ये तीसरा टीम था जो एसडीपीओ एनसीसी के नेतृत्व में वहां पे जा रहे थे, तो ये एक ही दिन में तो तीन अलग अलग जगह पे हम लोग स्पेशली प्लान सर्च मारे थे, तो इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से उसमें 3,100 बॉटल साफ एस कफ सिरप मिला है, और हम लोग पूरा अक्यूज को हम लोग अभी इंट्रागेट कर। नहीं, अभी जो केस जो मिला है तो केस में हम लोग इस अंडर सेक्शन 22B और 25 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिया है इसको, तो इसमें जो भी हम लोगों को मिला है एनडीपीएस आइटम उसमें लिए केस, हम लोग केस लिया है जो एनडीपीएस का नहीं है लेकिन बाहर से इलीगली इम्पोर्टेड है, इलीगली ट्रांसपोर्टेड है, उसको कस्टम्स को दे दिया है, और इसके मुताबिक हम लोग जो इलीगली अमाउंट इतना कैश ज्यादा मिला है घर पे, तो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट को लिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्ट ईडी को लिए भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना अपना प्रोसीडिंग शुरू। कितना मिला था कैश सर? 75,87,260। ये हमारा स्टेट इंटेलिजेंस से ही मिला, सेंट्रल एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं था, हम लोग उसको इन्फॉर्म किया, बल्कि तो उनका भी ये जिम्मेदारी है क्योंकि जैसे बांग्लादेशी करेंसी मिला है तो हो सकता है कि हवाला ऑपरेशन हो या फिर हुंडी का ऑपरेशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया। ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया है? ऑपरेशन के दौरान ये जहां तक एसडीपीओ आमतली और सदर में जो साइमल्टेनियसली चला है जिसमें बांग्लादेश आइटम मिला, इसमें एक बंदे को अरेस्ट किया है हम लोग ऑन द स्पॉट उसको करके, और एयरपोर्ट के पीएस में जो हम लोग एस्कॉर्ट किया पेंशन किया है तो वो ट्रक से ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए अभी हम लोग एनबीएस और सीडीआर लेके उसको हम लोग
तुरंत अरेस्ट। सर जिसको ये इसको हम लोग एक बंदे को अरेस्ट किया है, समीर बनिक, सन्नाम सुपरंजन बनिक। सर आपने शायद अभी बोला कि बांग्लादेश से कुछ कॉन्ट्रैबैंड आइटम्स भी इधर स्मगल हुआ, एज पर द बीएसएफ द कॉन्ट्रैबैंड्स आर बीइंग स्मगल्ड फ्रॉम त्रिपुरा टू बांग्लादेश। सो आपका आप क्या ये बताना चाहते हैं कि लाइक नाउ कॉन्ट्रैबैंड्स आर आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। देखिए मैं वो आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में उसको मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जहां पे हमको ये मिला है ये सारा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चर है, तो बांग्लादेश अगर मैन्युफैक्चर है तो फिर हम लोग कस्टम्स वालों को हैंड ओवर किया है, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे या ये या लीगली इम्पोर्ट किया था या फिर वो इलीगली उसको लेके आया, तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि या दोनों वे चल रहे हैं। हो सकता है कि इसका लिंकेज हो, इसीलिए हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉपर तरफ से इन्वेस्टिगेशन चले और ऑल द कल्प्रिट्स को हम लोग पकड़ पाए। नहीं, हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारा एडिशनल एसपी रूरल अमिताभ अलह, तो एचडीपीओ सदर, एचडीपीओ हमतनी एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस को मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी आपके लिए पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। 75,87,260 ये जो इंडियन करेंसी का है और बांग्लादेशी करेंसी मिला है 44,808। सर जो टैबलेट्स वगैरह मिल जाता है उस घर में सर्च करने के बाद, तो उसके लिए जो ड्रग लाइसेंस मिला आपको? नहीं, वो जो ड्रग लाइसेंस हमको कुछ नहीं मिला था, इसलिए हम लोग ड्रग वहां पे कस्टम्स वालों को भी हम लोग हैंड ओवर किया। इनफैक्ट वो ड्रग लाइसेंस की दूर की बात है, उसको जो इंपोर्ट किया है बांग्लादेश का उसका भी उसके पास ठीक तरह से पर्ची नहीं था, तो इसलिए हम लोग उसको हैंड ओवर किया। नहीं, अभी तो सीज करने का पावर तो हमारे पास नहीं होता है, वो तो मजिस्ट्रेट का पावर होता है। हम लोग रेकमेंड किया है कि ऐसे कर रहे हैं तो सीज किया जाए, वो तो दैट विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हम लोग सीज किया है, उसको कोर्ट में अभी हम लोग प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जैसे कार्रवाई होगा एज पर हम लोग कार्रवाई शुरू। आपने एक बार बोला था ब्राउन शुगर और यावा टेबलेट मिला है, तो वो क्या समीर के घर से निकला है? नहीं, वो शॉप से निकला है, बतला के शॉप से। हम लोग जब रेड कर रहे थे समीर बनिक के शॉप से, समीर बनिक के ही शॉप से। उनका एक शॉप है और एक गोडाउन भी था, दोनों जगह पे सर्च किए थे हम लोग वहाँ पे। सर बहुत दिन से ये स्मगलिंग चल रहा होगा बतला में, तो आपके नजदीक में पुलिस स्टेशन में कोई इसका जानकारी क्यों नहीं है? देखिए ये हाइपोथेटिकल हो जाता है, जब आप बोलोगे सर बहुत जगह से चल रहा है, अभी तो बोलने का आसान होता है सर, अभी भी बहुत जगह तो कोई किसी का मर्डर हो रहा है, तो वैसा तो बोल नहीं सकता हम लोग। जहाँ पे भी हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, जहाँ पे भी हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, हम लोग सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ हम लोग ज्वाइंट राइड किए थे, वो भी हमारा भी इंटेलिजेंस इनपुट था और ईडी से भी हम लोग मदद लिए, तो जहां पे भी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं तो हम लोग उसके तुरंत एक्शन करते हैं, इतना तो मैं आपको जरूर बता। सो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट त्रिपुरा पुलिस कंडक्टेड रेडिंग अक्रॉस द बत्तला बाजार रिगार्डिंग द कंट्री मेड लीगल एंड अदर इलीगल स्टफ, बट वी कैन सी दिस बिजनेस आर स्टिल गोइंग ऑन। नहीं, सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ, ये दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव कंडक्टेड द रेड, वी हैड कंडक्टेड द रेड सेवरल टाइम्स एंड एसडीपीओ सदर इज विद मी, सो वी हैव कंडक्टेड, ही हिमसेल्फ हैज कंडक्टेड सम ऑफ द रेड्स एंड ओसी हैज आल्सो कंडक्टेड। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज कंटिन्यूइंग, कुड बी दैट इज व्हाई वी आर इन द प्रोसेस, पुलिस इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड दैट इज व्हाई वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द क्राइम। जहां पे भी बाहर निकल के आ रहे वी आर टेकिंग द चार्ज, वी आर टेकिंग द एक्शन ऑन दैट। बत्तला मार्केट का एक फैक्ट बता देता हूँ, लास्ट के वन मंथ में हमने 3000 लीटर के आसपास जो इलिसिट लिकर है उस चीज की है, अराउंड 35 लोगों को हमने अरेस्ट किया है लास्ट के वन मंथ में। और जो आप बताना चाह रहे हो कि बत्तला में ऑलरेडी आउटपोस्ट है, हम दोनों मिलकर साइमल्टेनियसली वहां पर रेड करते हैं, ये किसी एक पीएस का एफर्ट नहीं है, पूरे सब डिविजन का और सभी ऑफिसर्स का एफर्ट होता है इस टाइम। सर आपको आंतरिक केस में बहुत सारे इंडियन डुप्लीकेट करेंसी मिला, तो इस विषय में आपका क्या मतलब है? त्रिपुरा में कोई डुप्लीकेट करेंसी छपने के लिए कोई? देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि कल एक आंतरिक में डुप्लीकेट करेंसी पकड़ा गया था, तो उसमें जैसे वो करेंसी हम लोग पकड़ा गया तो हम लोग पूरा वेरीफाई किया, तो उसके पास मिला है कि 24,000 करेंसी मिला है फेक इंडियन करेंसी। जब हम अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी तो ऐसा कहीं नहीं है कि त्रिपुरा में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कहीं प्रिंटिंग वैसा था कुछ नहीं, वो बाहर से कहीं लेके आया होगा, कहाँ से लेके आया इसके लिए हम लोग इंट्रोगेशन के दौरान है, जैसे इसमें हमको पता चलेगा हम लोग जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे।
बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे रेड किए, बहुत बड़ा बड़ा सक्सेस मिला है आपको, ये बहुत बढ़िया बात है। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो कितने सारे मार पकड़ने की बात भी है, जो कुपिया चल रहा है, स्मगलिंग चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई त्रिपुरा के स्टेट में जो जो ये है ना वो ICP हो या कोई एंट्री पॉइंट हो चुराई, इन लोगों कोई पंक्ति है? सर वो मेरे मैंडेट से बाहर है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जहां तक हमारा एक्शन के मुताबिक है तो जितना है वो हम लोग कर रहे हैं, तो जितना सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग कम कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई कम ही नहीं कर रहे, जितना एफर्ट हो रहा है ह्यूमनली पॉसिबल एवरीवन इज डूइंग इट। देखिए तो वो थोड़ा कुछ लोग तो होते हैं तो नालायक होते हैं, जितना भी करें वो लोग मौका के लिए ढूंढते रहते हैं, तो फिर वो पकड़ा जाएंगे आज नहीं तो कल, जैसे आपने खुद बताया, तो आप इन्फॉर्मेशन देते रहे तो हम लोग पकड़ते जाएंगे, हमारे पास इंटेलिजेंस है। क्या लगता है ये जो एंट्री यार, ये आप बेहतर जानते हो, बचपन से यही, आप मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ पे करना है तो हम लोग करवा देंगे, या फिर हम लोग रेकमेंड करेंगे, हमारे तो मैंडेट से बाहर है। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन या वी कैन डिस्कस।